मतलब कि अभी बाल बहुत अजीब अजीब लग रहा होगा, और एक एक बाल। सभी को मेरा नाम है शशांक सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरी छोटी सी मोटी सी दुनिया में। तो गाइस, टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। ये जो मेरा हेयर है, जैसे कि आप देख सकते हो, कली से स्ट्रेट करने वाला हूँ, तो यही है आज का थीम। वैसे मुझे पता है कि बहुत दिनों बाद ब्लॉग डाल रहा हूँ। वैसे मैंने पहले भी कई बार बाल अपने स्ट्रेट किए हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आपको आ ही रहा होगा, और मतलब कि हाँ अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि कली में ज़्यादा तू सूट करता है, तो इसलिए मैं स्ट्रेट करना ही मैंने छोड़ दिया है। तो कॉलेज लाइफ पार्ट 5 भी आने वाला है जल्दी, एग्ज़ाम के बाद। मेरा एग्ज़ाम 13 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, तो बस परसों एग्ज़ाम है, इसलिए मैंने सोचा कि आज व्लॉग डाल दूंगा। वही बस ये कली से कैसे मैं स्ट्रेट करता हूँ, बस चलिए दिखाता हूँ आपको तरीका। वैसे रोज़ रोज़ मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि कभी पार्टीज़ हो गया, फंक्शंस हो गया कोई बड़ा सा, तब आप कीजिएगा, रेगुलर मत कीजिएगा, क्योंकि नेचुरल बाल जितने आपके अच्छे रहेंगे ना, उतना ये सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए दिखाता। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आप लोगों को करना पड़ेगा शैम्पू। शैम्पू कोई भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कोई भी शैम्पू का काम रेगुलरली क्या होता है, आपके बालों से जितने भी मतलब कि प्रोडक्ट्स है वो सबको रिमूव करना, ऑयल हो गया या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो गया, सीरम हो गया, जो आपने लगाया है, जेल हो गया, वैक्स हो गया, मतलब कि सारे प्रोडक्ट्स को बस रिमूव करने का काम रहता है। इसलिए कोई भी शैम्पू यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा शैम्पू में डिफरेंस नहीं होता है, हल्का फुल्का 1-2% का होता होगा, लेकिन सारे शैम्पूज का यही काम होता है। तो इसलिए कोई भी शैम्पू ले लीजिए, और दिखाता हूँ, वॉश करके आता हूँ पहले। तो गाइज, मैं शैम्पू करके आ चुका हूँ, और मतलब कि अभी बाल बहुत अजीब अजीब लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन एक तरह से मैंने नहा ही लिया, तो शैम्पू कर लिया। और हाँ, स्टेप नंबर 2 है ये सीरम। तो ये स्ट्रिक्स का सीरम है, ब्लू कलर का एक आता है, येलो कलर का, ये ठंडा रहता है, वो मतलब कि गर्म करता है थोड़ा सा तो मैं ये यूज़ करता हूँ। मतलब कि स्ट्रेटनर या फिर हेयर ड्रायर से पहले सीरम प्लीज़ लगा लीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डैमेज होता है। बस नहीं, एक ड्रॉप लेना है, बस ऐसे लगा देना है और कुछ नहीं करना है बस। तो चलते हैं अपने स्टेप नंबर 3 की तरफ, वो है स्ट्रेटनर और हेयर ड्रायर। ये दोनों से मतलब कि पहले आप हेयर ड्रायर से प्लीज़ सुखा लीजिएगा अपने बालों को, और स्ट्रेटनर यूज़ कीजिएगा ऐसे ऐसे करके, मतलब कि दिखाई देता। चलिए, तो गाइस देख सकते हो बाल में क्या शाइनिंग आया है, और एक एक बाल बिल्कुल स्मूथ हो गया, स्ट्रेट हो चुका है, देख सकते हो। मतलब कि अब रिजल्ट आपके सामने है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, देख लीजिए। मतलब कि मैंने अपना पुराना लुक ले आया है, मतलब कि स्ट्रेट मैं करता ही था पहले भी तो देख सकते हो। तो ज़्यादा कुछ बन रहा तो आप चाहे तो ये प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन रोज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हेयर बहुत डैमेज होते हैं इससे। मतलब कि आपके हेयर अगर जो मोटे हैं वो पतले हो जाएंगे, इसलिए मतलब इजी वे है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सुबह में शैम्पू कीजिए, उसके बाद अगर सीरम है सीरम खरीद लीजिए, नहीं है तो, और स्ट्रेटनर ज़रूरी है, स्ट्रेट करने के लिए स्ट्रेटनर जरूरी है। हेयर ड्राई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रेटनर ज़रूरी है, और स्ट्रेटनर करना आपको आना चाहिए, मैंने दिखाया ही होगा, बस
कुछ नहीं, और ज़्यादा शिट नहीं यूज़ मत कीजिए, नॉर्मल यूज़ कीजिएगा। मैंने नॉर्मल यूज़ किया है, ज़्यादा हार्ड यूज़ नहीं किया है। तो ये जो मेरा हेयर है रहेगा, आज दिन भर रहेगा, कल जैसे मैं नहाऊंगा नॉर्मल से कली हेयर में शिफ्ट हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।